वेबसाइट का सिमिलर वेब में जाकर के मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो देख सकते हैं एवरी सिंगल मंथ यहां पर 7 मिलियन ऑन एन एवरेज विजिटर्स आते हैं। यहां पर आपको लगेगा एक लाइसेंस की, ये लाइसेंस की आपको कहां से मिलेगा? अगर इस पर्टिकुलर डोमेन को जाके देखूंगा तो आपकी साइट जहां पर आपका पर्टिकुलर टूल सारे एक्टिव हो चुके हैं, ये सारे के सारे टूल वर्किंग मोड के अंदर हैं, जिसको आपको लाइव करना है आप उसको इनेबल डिसेबल यहां से कर सकते हैं। अभी बात आती है इसको मोनेटाइज कैसे करना है। क्या आपको पता है अगर आप एक SEO टूल की वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, देन आफ्टर सिर्फ उस वेबसाइट का प्रॉपर SEO करते हैं, तो बिना कुछ कंटेंट के आपको लाइफ लॉन्ग अर्निंग हो सकती है। वेल, SEO टूल की वेबसाइट को डिजाइन करने का एडवांटेज ये है कि अगर आप नॉर्मल ब्लॉग को डिजाइन करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर आपको रिपीटेटिवली कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि वहां पर ट्रैफिक बार बार आए। लेकिन SEO टूल के अंदर ये एडवांटेज होता है कि एक ही यूजर एक ही दिन में 10 बार आपकी साइट को विजिट करता है, दैट इज हाउ यू कैन मेक मनी। सो अगर आप भी SEO टूल जैसी वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देखें, अगर आप ब्लॉगिंग हाउस के साइट पे जाएंगे और SEO टूल्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से 70 से ज्यादा डिफरेंट SEO टूल को मैंने इंटीग्रेट किया है। वेल, इसको अलग अलग तरीके से मोनेटाइज किया हुआ है। लेकिन यही नहीं, अगर मैं एक दूसरी वेबसाइट आपको बताऊं, स्मॉल SEO टूल जहां से मैंने इंस्पिरेशन ले करके इस साइट को डिजाइन किया, तो यहां पर आपको दिखेगा वैसे ही 100 से ज्यादा SEO टूल्स यहां पे भी डिजाइन किए हुए हैं। वेल, अगर इसका सिमिलर वेब में जाकर के मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो देख सकते हैं एवरी सिंगल मंथ यहां पर 7 मिलियन ऑन एन एवरेज विजिटर्स आते हैं। वेल, यही नहीं, bloggingwars.com पे जो मैंने यहाँ पे SEO टूल को इंसर्ट किया जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर उसके बैकएंड डैशबोर्ड को मैं दिखाऊं तो आज के दिन 831 टोटल पेज व्यूज हो चुके हैं और अभी तक 16 लोग अभी भी करंटली लाइव हैं। वेल, इस साइट को दिखाने का मेरा सिर्फ एक इंटेंशन है कि अगर आप ब्लॉग पे कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या फिर आपका एग्जिस्टिंग ब्लॉग है उसमें अगर आप यूटिलिटी ऐड कर देते हैं, कैसे कि ये bloggingwars.com मेरी साइट है, मैं कितना ही कंटेंट न्यू पब्लिश करूं कि बार बार एक ट्रैफिक मेरी साइट पे आए, तो क्यों ना मैं SEO टूल को वहां पे इंटीग्रेट कर दूं ताकि यूजर बार बार मेरी साइट पे आए और वो मेरे नए और अपडेटेड फीचर्स को भी देख पाए। तो गाइस, ऐसे ही अगर आप भी SEO टूल की वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड टू एंड में आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस टाइप की स्क्रिप्ट्स आपको कहां पे मिलती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस स्क्रिप्ट को कैसे आपको होस्टिंग अकाउंट के अंदर इंस्टॉल करना है, और नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा कैसे आपकी वेबसाइट को आपको लाइव करना है, एंड नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर्टिकुलर टूल को कैसे मोनेटाइज करना है। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास फ्रॉम bloggingwars.com और इस चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग के प्रीमियम टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, और यह हमारी क्विक और अर्निंग सीरीज का 4th वीडियो है। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस मिस किए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट गो थ्रू कीजिएगा। तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी टूल आपको जो मार्केट में दिखते हैं या फिर कोई भी इसको डिजाइन करता है, चाहे वो डोमेन टाइप के टूल हो चाहे SEO टाइप के टूल हो, उसको आपको स्क्रैच से बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस टूल को डिजाइन करने में मैंने $700 का इन्वेस्टमेंट किया। वेल, आप में से बोलेंगे तो $100 में भी मिल सकता है। नहीं ब्रदर, इसको प्रॉपरली कस्टमाइज किया गया, इसमें कुछ एडवांस फीचर डाला गया, ये जो थीम आपको दिख रही है उसके लिए अलग से चार्जेस पे किए हुए हैं, इसके बैकएंड में बहुत सारी API काम कर रही है जिससे इस टूल को मैंने प्रीमियम बनाया। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि आप बेसिक $100 के अंदर भी इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा CodeCannon, एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको इस टाइप की स्क्रिप्ट्स मिल जाती है, इसको सिंपली आपको इंस्टॉल करना और आपका काम स्टार्ट हो जाता है। तो इस साइट पे आना, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सबसे पहले आपको यहां पर टाइप करना है SEO टूल्स। जैसे आप SEO टूल्स को टाइप करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी PHP स्क्रिप्ट्स, मतलब लोगों ने जिसको ऑलरेडी यहां पर होल्ड करके रखे, आप देख पा रहे हैं। यहां पर एक वेबसाइट है कॉल्ड सुमो SEO टूल, जिसकी कॉस्टिंग है $38 लाइफ लॉन्ग के लिए, एक साल का आपको कुछ सपोर्ट देते हैं। और दूसरी है A2Z SEO टूल, इस पे 4,600 सेल्स इसके हो चुके हैं, 320 से ज्यादा लोग इसको क्लोजली 4.5 स्टार दे चुके हैं, और यही वो टूल है जो मैंने मेरी साइट पे इंस्टॉल किया है विद फर्दर कस्टमाइजेशन। ओके, मैं आपको बताऊंगा बेसिक सा टूल कैसे इंस्टॉल करना है। इसके लिए अगर आप लाइव प्रीव्यू पे जाके देखेंगे तो जब भी इसको परचेज करके आपकी साइट पे इंस्टॉल करेंगे, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जब भी आपकी साइट पे लाइव होगा, ये टूल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्लिक हियर टू ओपन द डेमो पेज। तो आप देख सकते हैं ये एक डेमो वेबसाइट है जहां पर कुछ इस तरीके से आपका टूल दिखेगा जब आपकी साइट पे लाइव होगा। वेल, अगर आप, मैं ब्लॉगिंग हाउस की बात करूं तो मैंने ब्लॉगिंग हाउस के साइट पे ही SEO टूल को इंस्टॉल किया, मैंने अलग से कोई वेबसाइट नहीं बनाई। अगर आप चाहें आपके एग्जिस्टिंग ब्लॉग में इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए अलग से डोमेन परचेस के भी कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि अलग से डोमेन परचेस करके कैसे करना है, किस तरीके से इसको एज अ फ्रेश वेबसाइट बिल्ड करना है। तो इससे चलते हैं गाइस नंबर 2 स्टेप।
नंबर टू स्टेप के अंदर गाइस सबसे पहले आपको करना होगा एक होस्टिंग को परचेस करना होगा, क्योंकि ये ब्लॉगर पे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए गाइस मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है होस्टिंगर। इसके लिए आप मेरी स्पेशल लिंक के थ्रू अगर जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको यहां पर एडिशनल $300 का बोनस मिलेगा, जो कि बोनस आप इस वाले पेज पे आके क्लेम कर सकते हैं। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, पहले तो 2 घंटे की लाइव कोचिंग है, इसके बाद प्रीमियम थीम विथ लाइसेंस की दिया जाता है अगर आपने मेरे लिंक को यूज किया। और यही नहीं, इसके बाद आप जैसे स्क्रॉल करेंगे आपका एक बार उस लिंक से परचेस हो जाता है, आप बॉटम में आने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, विद इन 72 आवर्स में आपको ये बोनस दूंगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली इस वाले लिंक से इस साइट पे आना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेब होस्टिंग के सेक्शन के अंदर जाना और जहां तक हो सके प्रीमियम वेब होस्टिंग को परचेस कीजिए। क्यों, यहाँ पर एक से ज्यादा वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे और अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे अकाउंट के अंदर इसको पूरा सेटअप करके, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक फ्री का डोमेन भी मिल जाता है अगर आप चाहें, और यहाँ पर आपकी 100 वेबसाइट भी हो जाती है, तो आपको डोमेन परचेस करने की जरूरत है। तो यहां पे मैं सिंपली ऐड टू कार्ट करूंगा और चेकआउट विंडो पे जाने के बाद मैं यहां पर एक प्रोमो कोड यूज करने वाला हूं, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने मेरे लिंक को यूज किया है। तो जैसे मैंने यहां पे ऐड टू कार्ट किया, आपको यहां पे चेकआउट विंडो पे आना है। चेकआउट विंडो पे आने के बाद में सिंपल सी चीज है गाइस, यहां पर आपको 12 मंथ के प्लान को सेलेक्ट करना है। तो यहां से मैंने 12 मंथ के प्लान को सेलेक्ट किया, यहां पे प्राइसिंग कैलकुलेट होगा, यहां पर आने के बाद आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है MR व्यास एंड देन अप्लाई। तो आपको ये होस्टिंग है मोटा मोटी 3200-3300 रुपए के आसपास में, 3000 रुपए के आसपास में आपको पूरे एक साल की होस्टिंग मिल जाती है, जिसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे। सिंपली यहां पे आके आपको सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद का सेटअप कैसे करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं सीधा चलता हूं मेरे होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर, आपको बताऊंगा कैसे टूल वेबसाइट को वहां पे इंसर्ट करना है। क्लियर, तो सबसे पहली चीज हमने वहां पे होस्टिंग अकाउंट को परचेस कर दिया। अभी इसके बाद आपको आना है कोड कैनन जैसे वेबसाइट पे। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक कीजिए, इसको एड टू कार्ड कीजिए, इसको बाय कीजिए, और जैसे इसको आप बाय करेंगे आपको कुछ इस तरीके से एक जिप फाइल मिलेगी। जैसे आप उस अकाउंट के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं A to Z Basics SEO Bundle with License की। इसके बाद मैंने इसका प्रीमियम वर्जन भी लिया हुआ, जिससे मेरे को कॉस्टिंग पड़ी थी $700 के आसपास। तो आप देख सकते हैं विद लाइसेंस की आपको जैसा ही ये एक zip फाइल वहां से मिलेगी, आप जैसा इसको परचेस करेंगे उसको डाउनलोड करें, इसके बाद में आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरीके से एक नॉर्मल फोल्डर दिखाई देगा। उस फोल्डर में कुछ इस तरीके की फाइल्स होगी और इस फाइल्स को यूज करके हम टूल्स बनाने वाले हैं। तो नंबर टू स्टेप, आपको कोड कैनन पे जाकर के ये स्क्रिप्ट को परचेस करना है, देन बी रेडी with that. Okay? इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं फटाफट से मेरे होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करता हूं और सीधा वहां से हम हमारी वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स कैरी ऑन। तो सिंपली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं अभी मेरे होस्टिंग अकाउंट के इनसाइड में आ चुका हूं। अगर आपके परचेस के बाद में स्क्रीन तक आने तक का अगर आपको सफर देखना है, तो उसका लिंक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में, कैसे सर्वर को सेलेक्ट करना, एवरीथिंग। अभी हम हमारी वेबसाइट डिजाइन करने वाला, तो मैं यहां पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और हम एकदम फ्रेश वेबसाइट बनाएंगे। वेल, इससे पहले अगर आपके पास प्रीमियम होस्टिंग को परचेस किया, तो यहां पे फ्री का डोमेन आपके पास ऑलरेडी मिल चुका है। अदरवाइज मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास स्किप करना है, अपने को एक एम्प्टी वेबसाइट बनानी है, एग्जिस्टिंग हम डोमेन को यूज करेंगे और जो भी हमारा डोमेन होगा उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। तो मान लीजिए अभी के मैं tichku.com के नाम से मान लीजिए कि मैंने एक डोमेन रखा है, जो कि एक डमी डोमेन है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा और वो मैंने नेमचिप से परचेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे tichku.com, ओके, जो मैं मोस्टली वेबसाइट्स के लिए डिजाइन के लिए। इसके बाद क्या करना है, अगर वो डोमेन आपने कहीं और से परचेस किया, तो ये दोनों नेम सर्वर के डिटेल आपको यहां पर आने के बाद, डोमेन में आने के बाद कस्टम DNS में सेलेक्ट करने के बाद यहां पर एंटर कर देना है, ताकि अगर आपने डोमेन अदर देन होस्टिंग से बाहर कहीं से परचेस किया तो वो आपके होस्टिंग अकाउंट से लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग ली है और डोमेन भी वहीं से परचेस किया, तो आपको इस टाइप की जरूरत नहीं है। ऐसा आप इसको करते हैं, आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो दैट मींस कि आपका डोमेन होस्टिंगर अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। अब हम आगे किस स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद क्या करना है गाइस, यहां पर हमें सीधा कंट्रोल पैनल पे चले जाना है, कुछ और नहीं करना, और यहां से हम सीधा हमारी वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर, वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट करने से पहले एंश्योर करना है कि आपने जो स्क्रिप्ट परचेस की है वो ऑलरेडी यहां पर अनजिप करके आपको रखना है, ताकि इन सारी फाइल्स को हम बार बार अपलोड करते जाएंगे। क्लियर, इसके बाद स्क्रीन पे आने के बाद आप देख रहे हैं ये tichku.com के नाम से। इसके बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है एंड देन उस फाइल्स को अपलोड करना स्टार्ट करना है। अगर आप इसमें कुछ भी मिस कर रहे हैं, फटाफट से जाइए, इसको धीरे से पॉज कीजिए, सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिए, यू विल गेट गारंटेड रिजल्ट्स, जो कि मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे public_html के नाम से एक फोल्डर आपको मिलेगा और यहाँ पे वो सारा डेटा आपको
ड्रॉप करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहां पर ये जो भी आपने अनजिप किया है वहां पे एक अपलोड के नाम से एक फोल्डर रहेगा, बाकी सबको इग्नोर करना है, आपको अपलोड के नाम से फोल्डर है और ये सारी की सारी फाइल्स आपको यहां पर ऐसे करके ड्रॉप कर देनी है। दैट मींस कि वो सारी की सारी चीजें पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के फोल्डर के सेक्शन के अंदर आ जाना चाहिए, तो आपका स्क्रिप्ट अपलोड हो जाएगा आपके होस्टिंग अकाउंट के अंदर। ये एक बार जब प्रोसेस आप इसको फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर आपको 2 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सारी फाइल्स टाइम लेगी अपलोड होने के लिए। तो हम लिटिल बिट वेट करेंगे एंड देन सी कि जैसा ये अपलोड हो जाती है, अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाता है तो अब यहां पर आपको अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहां से भी आप उन फाइल्स को और फोल्डर्स को सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप ये सबसे इजी सॉल्यूशन है। तो लेट्स वेट अंटिल इट गेट कंप्लीटेड। तो जैसे आपकी सारी फाइल अपलोड हो जाती है कुछ इस तरीके से आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे दिखेगा अंडर पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप bloggingwas.com की तरह एक टूल्स करके सेक्शन के अंदर अगर आपको साइल को ऐड करना है तो आपको क्या करना होता, ये जो डेटा मैंने अपलोड किया डायरेक्टली पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर, तो इसके बजाय आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना होता टूल्स और उसके अंदर उसको अपलोड करना होता, तो वो ऑटोमेटिकली आपके एग्जिस्टिंग डोमेन के टूल्स के सेक्शन में ऐड हो जाता। क्लियर? यहां पर आने के बाद अभी हमें क्या करना है, हमें एक फटाफट से हमें एक डैशबोर्ड को यहां पे जाना है और वहां पर एक डेटाबेस को क्रिएट करके उसको ऐड करना है। उसके लिए सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है गाइस, आपको सबसे पहले जाना है आपके जो भी फाइल आपने परचेज की थी उसके पर्टिकुलर सेक्शन के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ये हमने अपलोड किया, आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाना है और इंडेक्स वाली फाइल पर डबल क्लिक करना है, जहां पर आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ इंस्टॉलेशन के अंदर कि आपको कैसे कैसे करना है। तो हमने ये काम कर दिया, अभी नेक्स्ट वाला स्टेप है हमें एक एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट करना है एंड देन आफ्टर हमें इस वाले लिंक पे जाना है जहां पर सिंपली डोमेन को रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे हमारा डोमेन था ये वाले लिंक के अंदर मैं डोमेन को रिप्लेस करूंगा। सेम चीज आपको करनी है, ये कुछ ऐसा जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके एडमिन डैशबोर्ड मतलब जो आपके टूल वेबसाइट के बैकएंड डैशबोर्ड में आप पहुंच जाएंगे, जो कि इस तरीके का कुछ यूआरएल रहेगा और यहां पर आकर के आपको वेरीफाई करना है कि सब कुछ सही है या नहीं है। अगर आपने सही से इंस्टॉल किया है तो ये पेज लोड होना चाहिए और यहां पर आपको स्क्रीन पर वो सारी चीजें दिखनी चाहिए जो कि एज अ फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में दिखनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए अभी आप देख पाएंगे यहां पे, तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक होगी कि आपकी साइट पे सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं। अगर ये सब कुछ अवेलेबल है दैट मींस कि आपको कुछ होस्टिंग में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। इसके बाद बॉटम में जाके देखेंगे ये सारी चीजें भी जैसे होनी चाहिए एज अ डिजाइन, हमें सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी यहां पर कुछ डिटेल्स को हमें फिल करना है, जहां सबसे पहले वाले में आपको डाल देना लोकल होस्ट और अभी हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है डेटाबेस बनाना है जहां से आपका ये सारा डेटा इन आउट होगा मतलब जो भी चेंजेस होंगे। उसके लिए आपको वापस होस्टिंग अकाउंट के अंदर जाना है, जो भी डोमेन आपने इंस्टॉल किया यहां पे अभी फाइल मैनेजर में जाकर हमने फाइल अपलोड किया था। सेकंड ऑप्शन है डेटाबेस, आपको डेटाबेस पे क्लिक करना और एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। रिमेंबर अगर आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग लिया तो आप यहां पे मल्टीपल डेटाबेस को क्रिएट कर पाएंगे, तो मेक श्योर आपको यहां पे आना है। इसके बाद में दिख रहा है यहां पे डेटाबेस, जो भी आपको डेटाबेस का नाम लगता है, मान लीजिए कि यहां पे हम नाम देना है डेटाबेस का नाम जो दे रहा है कुछ इस तरीके से, आपको यहां पे एक पासवर्ड चूज कर देना है जो भी आपको सही लगता है, देन आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। मतलब हमने एक अलग से डेटाबेस क्रिएट किया, जैसे वो क्रिएट हो जाता है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम ये दे देता हूँ, देन यहाँ पर इसको मैं कुछ और दे देता हूँ यूजर नेम एंड देन क्रिएट, क्योंकि ऑलरेडी उस यूजर नेम से एक डीबी क्रिएटेड है। ये सब इसको क्लिक करेंगे, अभी आपको बॉटम में दिखाई देगा यहाँ पर एक नया डीबी क्रिएट हो चुका है। हमें क्या करना है, ये जो हमारा डेटाबेस है इसको कॉपी करना है, वापस स्क्रीन पे जाना है, डेटाबेस का नाम क्या है यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद में वापस होस्टिंग अकाउंट के अंदर जाना है, ये आपका जो यूजर नेम है उसको आपको कॉपी करना है जो भी आपका था, एंड देन आफ्टर जो भी आपने वहां पे पासवर्ड दिया है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। वेबसाइट का पाथ एज इट इज रखना है क्योंकि यहीं से आपकी साइट लोड होगी और यहां पर आपको लगेगा एक लाइसेंस की। ये लाइसेंस की आपको कहां से मिलेगा, जैसे आपने इस टूल को परचेज किया कोड कैनन के थ्रू, उसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर एक लाइसेंस के नाम से एक ऑप्शन रहेगा। जैसे आप उस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो जैसे ही आपको वहां पर एक अलग से फाइल दिखाई देगी कुछ इस तरीके से, टूल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स लाइसेंस की, ऐसे में इसको ओपन करता हूं, उसके अंदर आपकी परचेज आईडी रहेगी और यहां पे मिलेगा आपको एक परचेज कोड और ये है लाइसेंस की जिससे आपकी साइट एक्टिवेट होगी। तो आपको इसको कॉपी करना है, वापस टूल के सेक्शन के अंदर जाना है और यहां पर आने के बाद में आपको पेस्ट करना है, ओके, और एट अ टाइम एक साइट पे आप इसको यूज कर पाएंगे। तो जैसे आप इसको पेस्ट करके सबमिट करेंगे, अगर इसको आपने कहीं और यूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पे दिखाई देगा आपकी साइट क्रिएट हो चुकी है। यहां पर सिंपली आपको एडमिन नेम देना है, जो भी आपका नेम रहेगा मान लो कि टिचकू, और यहां पर आपका यूजर आईडी, यहां पे कोई भी आपको एक ईमेल आईडी देना है जो कि मैं यहां पे दे देता हूं, जैसे कि कनेक्ट एट द रेट
supremecampus.com और एक आपको पासवर्ड देना है जो मैंने यहाँ पे दे दिया है, देन आपको सबमिट करना है। जैसा आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं आपकी साइट एक्टिवेट हो चुकी है। आप सिंपली एडमिन पैनल पे जैसे ही जाएंगे आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका एक लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। अभी यहाँ पर मैं कनेक्ट वापस यूजर नेम, जो यूजर नेम अभी आपने सेलेक्ट किया उससे आप इसके लॉगिन पैनल को लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स दिए आप देख पाएंगे जैसे bloggingwas.com का बैकएंड था वैसा ही आपकी साइट का बैकएंड क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसको जाके देखूँ तो यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर डोमेन को जाके देखूंगा तो आपकी साइट जहां पर आपका पर्टिकुलर टूल सारे एक्टिव हो चुके हैं, ये सारे के सारे टूल वर्किंग मोड के अंदर हैं। अगर आप एल्गोरिथम चेकर चाहिए, बैकलिंक चेकर चाहिए, रोबोट टीएक्सटी, ये आपकी खुद की वेबसाइट है जहां पे अभी हमने इंस्टेंटली साइट को लाइव किया है। आप कोई भी चीज यहां पे आकर के देख सकते हैं, कुछ भी करना है आपको, कीवर्ड डेंसिटी चेकर, माई आईपी एड्रेस। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, अगर मैं आईपी एड्रेस वाले टूल को यूज करना चाहता हूं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे करंट सिस्टम में मैं अभी कहां से ये एग्जैक्टली वीडियो बना रहा हूं। अभी मैं इंडिया में हूं तो आपको यहां पे इंडिया दिख रहा है, लोकेशन भी आपको दिख रही है, राइट। तो सारे के सारे टूल्स आपकी साइट पे एक्टिवेट हो चुका है, बस इतना प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद ये जो डैशबोर्ड है हमेशा आपको एक्सेस करना है domain.com/admin के नाम से, और इसके अंदर आकर के सबसे पहली चीज आपको कौन कौन से टूल आपकी साइट पे एक्टिव और लाइव करना है। उसके लिए अगर आप SEO टूल के सेक्शन के अंदर जाएंगे, मैनेज टूल्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको ये टूल चाहिए तो एक्टिव रखो, अदरवाइज इसको डिसेबल रखो। वेल, इन टूल्स के SEO सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पर आता हूं bloggingwas.com के अंदर, अगर आप वेबसाइट SEO टूल के अंदर जाता हूं, ये रैंक करते हैं गूगल में कीवर्ड से। वो किस तरह से, आपको यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन देना है, कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन देना है। ये डिस्क्रिप्शन आप कैसे दे पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि इस टूल का आप SEO करना चाहते हैं तो आप इसके एडिट के सेक्शन के अंदर आए। एडिट के सेक्शन में आने के बाद में यहां पे मेटा डिस्क्रिप्शन, टूल का नाम, टाइटल और वो सारा डिस्क्रिप्शन आप यहां पे अपडेट करके सेव कर सकते हैं। लाइकवाइज आप जितने भी टूल का प्रॉपर्ली SEO करेंगे वो यहां पे दिखेगा। अगर इसको आप डीएक्टिवेट रखेंगे तो ये होम स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, एक्टिवेट रखेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा। वैसे ही जितने भी 70 से ज्यादा SEO टूल्स आपको मिलने वाले हैं जिसको आपको लाइव करना है आप उसको इनेबल डिसेबल यहां से कर सकते हैं। अभी बात आती है इसको मोनेटाइज कैसे करना है, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइस। मोनेटाइज के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एडवर्टाइजमेंट के नाम से एक सेक्शन है, यहां पर आपके गूगल एडसेंस के एड कोड को आपको पेस्ट करने जाना है और ऑटोमेटिकली एड्स आपकी साइट पे डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से SEO टूल्स को आप डिजाइन कर सकते हैं। पेजेस के सेक्शन के अंदर जाकर के आप कुछ क्रिएट पेजेस पे जाकर के ये पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जो नीचे जो कॉन्टेक्ट अस के पेज होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज होते हैं, अबाउट अस के पेजेस होते हैं, आप इनको एज इट इज क्लिक कीजिए, इसके अंदर का कंटेंट आप एज इट इज वहां पे पेस्ट कर दीजिए एंड दैट इज हाउ सिर्फ आपको डोमेन नेम चेंज करना और आपकी साइट क्लियर हो जाएगी। वेल, मेरी जो साइट है उसका लुक एंड फील लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू योर्स, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला ये $700 का इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा फर्दर कस्टमाइजेशन इस पे किया हुआ है। सो दैट इज वाई ये टूल वेल ऑर्गेनाइज्ड है एज कंपेयर टू योर्स। अगर आप चाहे तो इसके और अपग्रेड प्लान्स को परचेस करके आप आपकी साइट को फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका साइट मैप भी जनरेट हो जाता है, मेक श्योर करना आपका क्रॉन जॉब्स भी यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप SEO टूल को डिजाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर जैसे आपकी साइट लाइव हो जाती है इसमें आप गूगल एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एड स्पेसेस को सेल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स है जिनके बैनर इमेजेस को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। लाइकवाइज इस तरीके से आपकी साइट पे आप इन सारे टूल्स को इंस्टॉल करके एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और क्विक और इजी लर्निंग की सारी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, जिससे आप कम टाइम में लेस कंटेंट के अंदर एक धमाकेदार वेबसाइट बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।